बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरिया। आई होप यू आर गुड। आज की रेसिपी है चिकन मलाई कोफ्ते। ये बहुत मज़ेदार और ताकत से भरपूर रेसिपी है। ये भी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो जो मैंने इंग्रीडियंट लिए हैं वो आप देख लीजिए। चिकन बॉन लेस 500 ग्राम, पिसी हुई प्याज 6 अदद, चना 4 टीस्पून, खसखस 2 टेबलस्पून, खोपरा पाउडर 2 टेबलस्पून, तिल 2 टेबलस्पून। इन सब को रोस्ट कर लिए हैं और हम पाउडर बना लेंगे। अब इनको चिकन में शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून जो मसाला हमने बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, प्याज 2 टेबलस्पून, पिसी हुई धनिया 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इनके कोफ्ते बना लेंगे और इसको एक साइड पर कवर करके रख देंगे। अब हम कोफ्तों का मसाला तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 350 ग्राम ऑयल ले लेंगे। अब हम इसमें 4 अदद पिसी हुई प्याज शामिल कर देंगे। इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ताज़ा लहसुन के जवे 10 अदद, 2 इंच अदरक, 6 से 8 अदद हरी मिर्च इसको पीस लेंगे और इसको भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कोफ्ता मसाला शामिल करेंगे, जो कि तिल, खोपरा, चना, खसखस जो कि हमने पाउडर बनाया था ये शामिल कर देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे चंद मिनट तक। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, इन सब मसालों को फ्राई कर लेंगे और 1 कप पानी शामिल कर देंगे और फिर फ्राई करेंगे। जब मसाले फ्राई हो जाएंगे तो इसमें 250 ग्राम दही शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट्स हो गए हैं। अब कवर नहीं ढकेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे और जो हमने कोफ्ते बनाकर रख रखे थे वो इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रखते जाएंगे। 1 कप और पानी शामिल कर देंगे। 1 उबाल आने के बाद 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं कोफ्तों की पोजीशन। ये माशाल्लाह से टूटे नहीं हैं और ना चटके हैं और ना ही सॉफ्ट हुए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और शोरबे की कंसिस्टेंसी देख लें। कोफ्ते तैयार हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें 250 ग्राम क्रीम शामिल कर देंगे। अब चूल्हा ऑन कर देंगे, 1 उबाल आने देंगे। अब हम इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च 2-3 शामिल कर देंगे और डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चिकन मलाई कोफ्ते तैयार हो गए हैं। ये इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप ज़रूर बनाइएगा। रेड सब्सक्राइब का बटन दबा दें, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।